हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन्स वर्ल्ड। सो आज हम करने वाले हैं एक और पेन का रिव्यू, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। चलिए सो गाइस, टुडे आई एम होल्डिंग दिस ब्यूटीफुल पेन इन माय हैंड्स। तो गाइस आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पेन है इसका। ये कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ आता है। इसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पेन। इसका नाम है पैलेट V7। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बस ये यहाँ से खुल जाता है और ये है हमारा पेन। आप देख सकते हैं पैलेट V7 हाईटेक 0.07। इट्स नेम इज 0.7, दैट्स व्हाई इट्स V7। यू कैन गेट दिस पेन इन फाइनर वर्जन। आप इसका पतला वाला वर्जन भी ले सकते हैं अगर आपको पतली हैंड राइटिंग पसंद है। मेरे को थोड़ा मोटी निब पसंद है तो मैंने V7 ही लिया। तो चलिए आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेडी पेन है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं। पकड़ते हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है और ये बहुत ही शानदार पेन है। चलिए इसको कैप खोल के आपको दिखा देते हैं। इस पर आप देख सकते हैं और अब आप ये देख लीजिए इसकी ये कार्ट्रिज चलती है। ये कार्ट्रिज आप एक पैकेट में ले सकते हैं, दो आएगी 25 रुपीज़ की मिल जाएगी आपको वो। और या फिर अगर आपके पास इंक की बॉटल है तो आप सिरिंज से भी इसको इसकी कार्ट्रिज में इंक डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पेन काफ़ी अच्छा पेन है। इसका एक और वर्जन आता है जो रिफिलेबल नहीं होता, जो मतलब रिफिल उसको भी कर सकते हैं उसे यहाँ से निकाल के, पर वी विल टॉक अबाउट इट इन एनी अदर वीडियो। तो वो भी वर्जन आता है, बट आई वांटेड दिस रिफिलेबल वर्जन सो दैट आई कैन यूज इट फॉर लॉन्गर टाइम। सो गाइस, यू कैन सी इट्स अ गुड पेन। यू कैन पोस्ट इट्स कैप बैक Like this, yeah. You can see. Its weight is good. Not at all heavy. It's pretty lightweight and बहुत ही हल्का पेन है गाइस। मतलब आप इसको मतलब लॉन्ग राइटिंग सेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक राइटिंग सैंपल ले लेते हैं। तो गाइस चलिए इसका एक राइटिंग सैंपल कर लेते हैं प्लीज। सब्सक्राइब पेंस वर्ल्ड गाइस। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ पेन है गाइस। मतलब आप इसको बिल्कुल ज़रूर स्कूल लेके जा सकते हैं, कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ पेन है, मतलब आप इसको कितने भी लॉन्ग राइटिंग सेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप इसका वो नॉन रिफिलेबल वर्जन भी ले सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। इसके रिफिल आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। तो गाइस ये पेन लिटरली बहुत स्मूथ है। मतलब इस 50 रुपीज़ की प्राइस रेंज में जो ट्राइमैक्स आता है और मैक्स्ट्रॉन आता है, एविएटर आता है, रोरिटो का, मतलब बहुत सारे पेन आते हैं, ये उन सब से एक बेटर चॉइस है। इस पेन को सिर्फ एक ही पेन टक्कर दे सकता है जो है यूनिबॉल आई, और इस पेन को कोई टक्कर देने वाला मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है। अगर मेरे को चूज़ करना हो इसमें से और यूनिबॉल आई में से चूज़ करने का, तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा और ये ज़्यादा स्मूथ है और यूनिबॉल आई एक तो नॉन रिफिलेबल होता है। तो चलिए आपको मैं क्विकली इसका एक साइज़ कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं, ये है हमारा पार्कर बीटा और ये है हमारा पायलट। पार्कर बीटा से थोड़ा बिल्कुल स्लाइटली बिगर है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा बड़ा है बस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं।
हालांकि बीटा एक फाउंटेन पेन होने के बावजूद इससे ज़्यादा लाइट है, बट लेट्स कीप इट असाइड। और अब हम, आपने ये पेन ज़रूर यूज़ किया होगा, हाईटेक 0.05 लग्ज़ पैलेट का भी एक शानदार पेन है। इसका भी मेरे चैनल पर आपको रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये भी एक काफ़ी अच्छा पेन है, आप देख सकते हैं, ये भी इसे थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ये हल्का सा यहाँ से ज़्यादा मोटा है, और बाकी तो काफ़ी अच्छा है ये पेन। ये पेन भी काफ़ी अच्छा है और ये पेन भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिट फॉर दीज पेन वीडियोज़। बाय बाय।